अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी मैं भी खैरियत से हूँ। आप लोग सुनाएं कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। अच्छा जी, आज हमारे यहाँ इफ्तारी है, मेरे घर वाले आ रहे हैं सब, यानी हमारे यानी सिस्टर के आए हैं बड़ी, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे क्योंकि हमने काफ़ी दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया। एंड में आपको पता है कि काम हमारा चालू जगह पॉलर का, तो इसकी वजह से फिर हम नहीं कोई व्लॉग बना पाएंगे, तो पॉलर की कोई होगी सेटिंग हम तो उसी की वीडियोज़ शेयर करेंगे आपसे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मैंने जो है फुल्कियाँ रख दी हैं पानी के अंदर डालकर, तो ये अब जो है सही से हो जाएंगी अपना तैयार, तो फिर इन्हें हम जो है बनाएंगे। अच्छा जी, हम फुल्कियाँ बना रहे हैं और हमने जो है ना अभी सामान सारा निकाला है पकोड़े बनाने के लिए, तो वो हम जो है बनाएंगे पकोड़े वगैरह। सिस्टर के हमारा जो है ना काम है का, तो सिस्टर ने आधा काम वो कर रही है खाना वाना बनाने का, आधा मैं कर रही हूँ। तो अफ्तार हम एक ही जगह करेंगे, हमारी फैमिली पूरी आ रही है तो हम अफ्तार एक ही जगह करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं अपना। अच्छा जी, तो देखें मैंने सामान भी काट दिया पकौड़ों का, तो ये आलू के पकौड़े हमने बनाने थे, तो और ये मैंने पकौड़ों में मैं आलू डालूंगी तो इसलिए, और प्याज भी काट लिया है, और हमारा यहाँ दही भी रेडी हो गया था, तो अभी हमारी फुल्कियाँ भी रेडी हो गई हैं, तो अभी इनको अब इसमें मैश वगैरह डाल के मिला के रख देंगे, और जो है इसके बाद हमारा टाइम भी हो जाए तो हम पकौड़े बनाएंगे। और पकौड़े का मैंने जो है बेसन भी बना के रख दिया है, ठीक है। तो बेसन मैंने गाढ़ा गाढ़ा बनाया, वही अच्छा होता है। बेसन हम कम ही डालते हैं, मसाला हम ज़्यादा डालते हैं। हमारे ज़्यादा लोग अलग तरीके से बनाते हैं, पर हम जो है मसाला बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखते हैं और बेसन कम क्वांटिटी में रखते हैं। और आलू के साथ भी हम इसी तरह ये कि हम मसाला अपने हिसाब से रखते हैं। ऑयल भी मैंने रख दिया हैगा, तो इसमें थोड़ा सा और ऑयल डाल के तो मैं थोड़ा सा जो है ना फिर इसको पहले छान लूँगी, छान के इनको साफ़ करके निकल जाएगा पकौड़ों का, तो फिर इसके बाद दोबारा हम ऑयल अपना इसमें नींबू डाल के इसके साथ ही, तो फिर इंशाल्लाह बनाने की तैयारी करते हैं, फिर वो भी आपसे शेयर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हाँ मैंने आलू के पकौड़े डाल दिए थे, तो ये मैं तैयार हो गए हैं, बस ये निकालने लगी हूँ। तो बाकी हमने अभी इसका मसाला नहीं बनाया, हमने अच्छे से पालक को वॉश कर लिया, तो ये वॉश करना भी लाजमी होता है। जब वैसे भी हम पालक बनाते हैं तो उसको वॉश कर लेते हैं, एंड सारा कुछ मसाला काट के रखा हुआ है, तो अभी जब मैं बनाने लगूँगी तो हाथ के हाथ पैन जो है ना मिलाती रहूँगी और हाथ के हाथ डालती रहूँगी, नहीं तो फिर प्याज वगैरह जो है पालक वगैरह पानी छोड़ देते हैं बेसन में, तो फिर वो पानी पानी हो जाता है, इसलिए हम हाथ के हाथ ही इसको। अच्छा जी, तो हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मैंने फुल्कियाँ भी बना ली थी सारी इसमें, क्योंकि बड़ा कोई बॉल नहीं था तो हमने इसमें ही कर ली, और पकोड़े भी सारे तैयार हो गए हमारे, देखे कितने क्रिस्पी क्रिस्पी से। तो अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है, वहाँ जाके बाकी की वीडियो बनाते हैं क्या बनाया है। फोन यही रख दो ऊपर में लेके। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे मार्केट आ गए थे क्योंकि मार्केट आना था हमें, तो हमने अफ्तारी वगैरह करके सिस्टर के, अभी छोटी सिस्टर ने बड़ी सिस्टर ने मार्केट थोड़ा सा जाना था काम के लिए, यहाँ गए थे। अच्छा जी, पहली बात है मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।